उनके विधायकों की संख्या भले कम हो पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफ़ी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के, अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन खेला करेगा नहीं करेगा। एनडीए में मंत्री पद की मांग को लेकर नाराज चल रहे जीतन राम मांझी को मिल गया चिराग पासवान का साथ। चिराग पासवान ने मांझी को लेकर के कहा है कि मांझी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। चिराग पासवान ने जिस तरह से जीतन राम मांझी का उनकी मांगों का समर्थन किया उसके बाद से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर मांझी और चिराग के फेरे में पड़ सकते हैं और एक बार फिर एनडीए में नीतीश घिर सकते हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि आखिर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। है कि सत्र के ठीक बाद सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा तमाम घटक दलों के साथ हो जाएगी। आप पशुपति पारस जी बोले हैं कि 9 तक सांसद है उसके बाद एनडीए की बैठक होगी और उसमें बिहार एनडीए की बैठक में सीटों का बंटवारा होगा। हाँ नहीं सही बात है, हम लोग का अभी पार्लियामेंट के बाद अलग अलग घटक दलों के साथ तो भाजपा की बातचीत चल ही रही है। एक बार एक आम सहमति बन जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। जीतन राम मांझी इन दिनों अलग सुर लापे हुए हैं, दो मंत्रालय मांग रहे थे। मैं मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले कम हो पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफ़ी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के, अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि मांझी जी हो सकता है कहीं कोई खेला ना कर दें, आरजेडी के साथ चले जाएं। मुझे नहीं पता कि कौन खेला करेगा नहीं करेगा तो खेला होने की पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये सारी देखिए गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातें हैं, इसको सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा करने से सिर्फ नुकसान होता और मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी बातचीत गठबंधन के घटक दलों और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल उनसे चल रही होगी। मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मांझी को सीएम बनाने तक के ऑफर दे डाले, कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाए मुख्यमंत्री बना देंगे। अब देखिए विपक्ष का घटक दल हमेशा गठबंधन हमेशा चाहेगा कि कोई ना कोई घटक दल टूट के उनके साथ जाए ताकि परसेप्शन की लड़ाई में वो जरूर आगे हो जाए। जैसा मैंने कहा मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थन में चिराग पासवान अब खड़े हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने एनडीए की नई सरकार में अपनी पार्टी से दो मंत्री होने की मांग की थी। उनके इस डिमांड का लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान ने समर्थन किया। तो मांझी की मांग और चिराग का समर्थन आने वाले दिनों में एनडीए के अंदर बगावत के संकेत दे रहा है। महागठबंधन के जिस बहुमत के आंकड़े को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बेटे को प्रथम 9 मंत्रियों की सूची में शामिल किया, जरा सहयोग तो देखिए कि विरोध की आग वहीं से उठी। जीतन राम मांझी का तर्क ये है कि वो महागठबंधन की तरफ से सीएम का पद ठुकरा के आए हैं, इसलिए एनडीए की सरकार कम से कम उन्हें 2 मंत्री पद दे। ऐसे में जब नीतीश कुमार 12 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर पर बहुमत साबित करने का आंकड़ा संजो रही है तो इधर एनडीए में धीरे धीरे विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अदावत किसी से छिपी नहीं है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद की मांग की उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी की मांग अगर पूरी नहीं की गई तो जीतन राम मांझी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और एनडीए का साथ छोड़कर तेजस्वी को समर्थन दे सकते हैं। अब देखिए कि जीतन राम मांझी को किस तरीके से चिराग पासवान का भी साथ मिल गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार।